इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्तों के साथ हमारी टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्त सुभाष और वकील दोनों घायल हुए और हमारा एक कांस्टेबल अनूप वो भी उनके गोली चलाने से घायल हुआ है। तीनों को हमने अस्पताल भेजकर उसका मेडिकल एड करा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में डिटेल में पूरी घटना को कबूल करते हुए पूरी चीज़ें बताई हैं। सुभाष और वकील से बहुत डिटेल में हमारी टीम ने पूछताछ की और दोनों ने घटना को कबूलते हुए इस बात को बताया कि सुभाष ने 3 लाख रुपए 2 साल पहले रामवीर को अपने प्लॉट को, जिसको उसने गिरवी रखा था, छुड़ाने के लिए दिया था, परंतु वो 3 लाख रुपए कई बार मांगने के बाद नहीं दे रहा था, हीरा हवाले कर रहा था और उसे इस समय पैसे की ज़रूरत थी, जिस कारण से उसने इस घटना को प्लान किया। इसमें अपने भाई गजेंद्र को और अपने दोस्त वकील को सम्मिलित करते हुए कई दिनों से इसकी प्लानिंग की थी। इन्हें अंदाज़ा था कि रामवीर चूँकि ठीक ठाक बिजनेस करते हैं, इनके घर में करीब 4-5 लाख रुपया होगा, इस घटना को करने के बाद पैसा निकाल कर ले जाएंगे और घटना को एक्सीडेंटल फायर का रूप देने के लिए गैस सिलेंडर में आग लगाने का भी प्रयास किया और वो न होने के कारण मिट्टी का तेल डालकर उनकी डेड बॉडीज़ को जलाने का प्रयास किया ताकि जलकर सारे एविडेंसेस मिट जाए। तो इसने पूरी तरीके से पैसे के लेन देन में उसकी खुन्नस में आकर इस पूरी घटना को प्लान किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।